के प्लांट की ग्रोथ रुकी हुई है, मोगरा को, गुड़हल को, चमेली को, कोई भी प्लांट हो, ये फल फूल वाले हो या सब्जी वाले हो, कोई भी प्लांट हो, फल फूल नहीं लग रहा है। तो आप लोग ये देखिए, ये इस पोटली की मैंने खाद बनाई हुई है, इस पोटली में क्या क्या चीज़ें हैं अगर आप लोगों को जानना है तो वीडियो को पूरी देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अब आप लोग एक बार ये खाद बना के ज़रूर देखिएगा, फिर डालिएगा पौधों में, फिर बताइएगा रिजल्ट। बहुत अच्छे पौधे आपके ग्रोथ, फ्लावरिंग, सब्जी वाले होंगे तो सब्जी, आप सभी तरह के पौधों में इसको डालिए, इसको एक बार बनाइए ज़रूर। बहुत ही पावरफुल खाद है, फर्टिलाइज़र है जो मैंने बनाया है, आप लोग भी इसी तरह इसको बनाइए और देखिए रिजल्ट। फ्रेंड वेलकम टू एमके गार्डन। तो आप सब कैसे, अच्छे होंगे, ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, बोलने में जब गलती हो जाए तो माफ करिए, फिर से धन्य कर करें। फ्रेंड आ गए हूँ नए वीडियो लेकर के आप लोगों के साथ, जानकारी भरी। आज मेरी वीडियो है पावरफुल फर्टिलाइजर के बारे में कि आप बना सकते हैं और सभी पौधों में डाल सकते हैं। आपके प्लांट की ग्रोथ रुकी हुई है, फ्लावरिंग रुकी हुई है, तो आप सभी तरह के पौधे में डालिए। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखा दे रही हूँ कि अगर आपके मोगरा के प्लांट में भी बरसात के टाइम में फ्लावरिंग नहीं हो रही तो आप लोग ये चीज़ डालिए, भर भर के फ्लावरिंग होगी, और गुड़हल के प्लांट में भी भर भर के फ्लावरिंग होगी। तो मैं आज आप लोगों की एनपीके से भी पावरफुल खाद बताने वाली हूँ, तो आप लोग वीडियो बने रहकर देखिएगा ज़रूर। कितने सुंदर सुंदर से फ्लावर खिल चुके हैं मेरे बगिया में, और कितने गजब के लग रहे हैं, ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं ना, ये देख सकते हैं आप, ये वाला कितना सुंदर लग रहा है, ये देखिए। इधर देखिए ये चांदनी का प्लांट है, और देखिए इसमें कितने अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है। ये दूसरी कलर, एक व्हाइट कलर में आता है और ये दूसरी कलर का चांदनी है, देखिए कितनी बढ़िया फ्लावरिंग कर रहा है। तो मैं आप लोगों को आज दिखाने वाली हूँ बहुत ही अच्छा फर्टिलाइजर। फ्रेंड की जिस भी प्लांट में आपके फ्लावरिंग नहीं हो रही, प्लांट फ्लावर नहीं आ रहे हैं, आप डालिए और भर भर के फ्लावरिंग लीजिए। सब्जी वाले पौधों में भी डाल सकते हैं और फ्लावरिंग वाले पौधों में भी डाल सकते हैं। तो चलिए उसी को बनाते हैं। फ्रेंड फ्रेंड आप लोगों को एक कपड़ा ले लेना है, कॉटन का भी, कैसा भी हो, जैसा भी, जिससे पानी निकल जाए, आप लोगों को ऐसा कपड़ा लेना है। उसके बाद आपके घर में ये उबले तो होते ही होंगे फ्रेंड, ये उबले यानी जिसको हम अपनी भाषा में कंडा बोलते हैं, उनको आप लोगों को एक हिस्सा आधा हिस्सा ले लेना, जितना आप लेना चाहो, जितनी आप लोगों को पौधे के अकॉर्डिंग आप खाद बनानी है, जितने भी आपके पास पौधे हैं उसी के अनुसार आप ले सकते हैं। अब इसको आप बारीक अच्छे से कूट लीजिएगा फ्रेंड, एकदम महीन कर लीजिएगा, इस तरह से आप लोगों को कूट के मैं दिखा दूँ, इसको इस तरह से कूट देना है, ऐसे करके आप इसको कूट सकते हैं। तो फ्रेंड इस तरह से आप लोगों को कर लेना है। आप सब जानते ही हैं कि जो गोबर की हमारी खाद होती है कितनी ताकतवर होती है, इसी से ही हम खाद बना के वर्मी कंपोस्ट जो भी बनता है इसी से ही बनता है फ्रेंड। तो ये वाली खाद जो बहुत ताकतवर होती है और हमारे प्लांटों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है, हमारे प्लांट ग्रोथ, फ्लावरिंग, हर तरह के पौधे में हम इस गोबर की खाद को, सड़ी से सड़ी जो खाद होती है उसको हम डालते हैं। तो ये हमारा उबला है, इस तरह से आप लोगों को कूट लेना है। इसके बाद इसमें और सारी चीज़ें ऐड करनी है जो मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो ये हैं आलू के छिलके, इसमें आप आलू के छिलके भी ऐड कर लीजिए, इस तरह से आप लोगों को आलू के छिलके डाल देना है। इन छिलके में कैल्शियम, पोटेशियम, आयरन, सारे विटामिन्स जो होते हैं छिलकों में ही पाए जाते हैं। तो ये छिलके आप जितने भी पास आपके आलू के छिलके हैं, प्याज के छिलके हैं फ्रेंड, तो इस तरह से आप छिलकों का इस्तेमाल करिए। ये देखिए ये प्याज के छिलके हैं, ये जो छिलके होते हैं सब्जी वाले, तो ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होते हैं जो हमारे प्लांटों की ग्रोथ और फ्लावरिंग और फल फूल देने के लिए मदद करते हैं। तो ये छिलके देखिए आप लोगों को इस तरह से डाल लेना है, आलू के हो गए और प्याज के हो गए, और ये जो नींबू है, नींबू के तो आप गुड़ जानते ही हैं, देखिए ये किस तरह से बरसात के मौसम में ख़राब हो गया ये नींबू। तो इस तरह से ये नींबू के छिलके मैंने काट के रखा था, कई दिनों से निचोड़े हुए हैं, मैंने इनको रख दिया था। तो ये देखिए नींबू के छिलके भी आप लोगों को इसमें ऐड कर लेना है। इसमें कैल्शियम की मात्रा, विटामिन सी बहुत ज़्यादा पाई जाती है, और मतलब जो जो हमारे प्लांटों में कमी होगी वो सारी चीज़ें इसमें से पाई जाती हैं फ्रेंड। तो हमें ये जो मैं बता रही हूँ आप लोग सारी चीज़ें देखते जाइए और इन सबको ऐड करिए। फिर बाद में आते हैं ये केले के छिलके, इनको भी आप अपने पौधों में, ये हमारे पौधों की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होते हैं फ्रेंड। तो आप लोग ये केले के छिलके भी इसी में ऐड कर लीजिए। इसके बाद मैं आप लोगों को बता दूँ, फिर है ये चाय पत्ती, या फ्रेश लीजिए या बनी हुई, ये चाय पत्ती मेरी बनी हुई है, मैंने एक डिब्बा इसको इकट्ठा करके रख लिया। तो ये चाय पत्ती है, इसको भी आप लोगों को इसमें ऐड कर देना है। चाय पत्ती में नाइट्रोजन भरपूर मात्रा में पाया जाता है जो हमारे प्लांटों के ग्रोथ के लिए, फल फूल फ्लावरिंग के लिए तैयार करता है। तो इस तरह से आप लोगों को चाय पत्ती ऐड कर लेना है। अब ये सारी चीज़ें ऐड कर लेना है, आप लोगों ने देख लिया मैंने क्या क्या डाली हैं। आप ये ना सोचिए कि मैंने इतने चीज़ें डाली है, आप सब्जी के जितने भी छिलके आप लोगों को मिल जाए आप सबको डाल सकते हैं। इस टाइम प्याज है, आलू है,
और तरोई खीरा जितने भी मतलब जिस जिस के चीज़ के छिलके मिल जाए आप सब कुछ इसमें ऐड कर सकते हैं। ये सारे छिलके हमारे जो ये खाद बनके हमारा पावरफुल फर्टिलाइजर जो बनके तैयार होगा सभी तरह के पौधों के लिए, ये बहुत ज़्यादा एनपीके से ज़्यादा मात्रा में फ्रेंड जो बहुत ताकतवर होता है बनके तैयार हो जाएगा हमारा ये खाद। तो आप लोगों को ऐसे ही बनाना है। मैंने कितनी सारी चीज़ें ऐड करी इसमें से उबला हो गया आलू के छिलके, प्याज के छिलके और केले के छिलके, और ये हो गया चाय पत्ती, इतनी सारी चीज़ें। आप लहसुन के छिलके भी ऐड कर सकते हैं, थोड़ी हल्दी भी डाल सकते हैं। इससे हल्दी डालेंगे तो इसमें से जो हमारे प्लांटों में फंगीसाइड लगता है वो भी नहीं लगेगा। तो मैं आप लोगों को हल्दी भी डाल के दिखा दे रही हूँ। ये देखिए इस तरह से आप लोगों को हल्दी भी थोड़ी इसमें से डाल देनी है। वैसे तो आप मिट्टी में डाल सकते हैं, इसमें भी आप इस तरह से डाल सकते हैं। और इन सारी चीज़ों को आप लोगों को ऐसे नहीं डाल देना फ्रेंड। अब मैं आप लोगों को आगे बताती हूँ आगे क्या करना है। तो ये एक पोटली तैयार कर लेना है आप लोगों को। इस पोटली को ये देखिए फ्रेंड, मैंने इस तरह से इस पोटली को बांध के तैयार कर लिया। तो आप इस तरह से इसको बांध लीजिए। अब इसको रात भर के लिए पानी में छोड़ दीजिए। पोटली को फ्रेंड आप लोगों को साफ पानी लेना है और इस पोटली को इस पानी के अंदर डाल देना है। तो देखिए ये पोटली इस तरह से पानी के अंदर अभी नहीं डूब रही है। तो इसमें हमें एक कोई पत्थर वत्थर रख देना है या ईंटा वगैरह। तो इस तरह से मैंने पत्थर रख दिया है। अब रात भर के लिए आप लोगों को इस तरह से इसको छोड़ देना है फ्रेंड। अब चलिए मैं आप लोगों को दूसरे दिन इसका प्रोसेस दिखाती हूँ। तो देख सकते हैं फ्रेंड, रात भर के बाद आप लोग देखिए ये कितने अच्छे से फूल करके और जितने भी इसमें पोषक तत्व हैं इस पानी में सारे मिल चुके हैं फ्रेंड। अब इस पानी को आप सभी तरह के पौधों में डाल सकते हैं। और ये जो पोटली के जो सामान मैंने इसमें से सारे छिलके डाले हैं, इसको आप अगर चाहो तो एक बार और बना सकते हैं। उसके बाद इसको आप किसी डिब्बे में भर दीजिए, तो ये अगर बोरी में डाल दीजिए, गमले में ही खोद करके मिट्टी नीचे डाल दीजिए, तो ये डिकम्पोस्ट हो जाएगा और आपको बहुत बढ़िया खाद बन के तैयार हो जाएगी। तो आप लोग इस तरह से बना सकते हैं और ये पानी को आप सभी तरह के पौधे में डाल सकते हैं फ्रेंड। चलिए मैं आप लोगों को डाल के दिखा दे रही हूँ। ये देख सकते हैं एकदम बन के तैयार है। इसमें सारे पोषक तत्व तो इस पानी में मिल गए हैं फ्रेंड। तो मिट्टी तो बहुत गीली है, तो अभी मैं थोड़ी सी आप लोगों को डाल के दिखा रही हूँ। इसके बाद जब मिट्टी थोड़ी वो होगी तब मैं डालूँगी। तो इस तरह से आप सभी तरह के पौधों में इसको फर्टिलाइज़र को डाल दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करके फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, लव माय गॉड, लव माय फ्रेंड।